Hello everyone, Neha here. Hope you all are doing well. Welcome to my channel Indian Salexar. So in today's video I am going to share Organza Saree Drape tutorial. So really hope you find this video helpful. Video I am going to share this beautiful Organza Saree. It is in the shade of pink, green and cream. Tino color ka bahut hi pyara sa combination hai. Organza Saree ka jo material hota hai wo thoda sa crispy material hota है. It is kind of cotton, थोड़ा सा hard cotton होता है. So इसे wear करना perfect pleat के साथ it's quite difficult. So in this tutorial I am going to share my experience related to organza साड़ी कि आप इसे perfectly perfect drape के साथ कुछ ऐसे tips और tricks दूंगी जिससे कि आप easily इस साड़ी को drape कर सकते हैं बिल्कुल perfect pleats के साथ. This saree has a very beautiful broad golden border. So अगर आप perfect pleat के साथ साड़ी की draping करेंगे cleanless और बहुत ही अच्छी cleaningness अगर आपकी साड़ी में दिखेगी finishing अगर दिखेगी तो आपका festival all over बहुत ही ज़्यादा enhancing होने वाला है. तो चलिए साड़ी की draping को start करते हैं. Video पसंद आए तो please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Be a part of my beautiful YouTube family. So without getting any delay, let's get start the video. So before starting साड़ी ड्रेपिंग पहले साड़ी ड्रेपिंग करने से पहले के जो भी स्टेप्स हैं थोड़े से वो आप फॉलो ज़रूर करें. और यहाँ पे हम ऑर्गेन्जा साड़ी को ड्रेप कर रहे हैं यानी कि एक तरह से कॉटन की साड़ी. और कॉटन की साड़ी में अगर आप ड्रेप करोगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जो भी हील्स पहनने वाले हो वो पहन के ही इसे ड्रेप करें तभी इसका लुक जो है वो परफेक्ट आएगा. बिकॉज क्या होता है ना गाइस कॉटन की साड़ी के फोल्डिंग होने के अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चांसेस होते सबसे फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं. जैसा कि मैं अपनी हर साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल में आपको बताती हूँ कि आपने इस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग में नोट बांध लेनी है जिससे साड़ी जो है वो निकलने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे. लेकिन कॉटन की साड़ी में आप नोट बिल्कुल मत बांधिएगा अदरवाइज जो फर्स्ट पार्ट है वो ही आपका बहुत ऊपर की तरफ जाएगा. जब आप फ्रंट की प्लीट्स बनाएंगे लास्ट में जब साड़ी को फिनिशिंग देंगे तो कई बार क्या होता है ना अपवर्ड डायरेक्शन में साड़ी बार बार खिंचती चली जाती है तो वो बिल्कुल उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है. तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ इस तरह से साड़ी की जो कॉर्नर वाली है जहाँ हम नोट बांधते हैं उस छोर को आप इस तरह से राउंड एंड राउंड थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिए और मोल्ड करके उसे टक इन कर लीजिए जिससे कि साड़ी के निकलने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे. सेफ्टी पिन भी यहाँ पर लगाना सिक्योर नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खींचने लगेगी. तो यही सबसे बेस्ट तरीका है. तो इस तरीके से इसे टक इन कर लीजिए. फिर जैसा कि हम फर्स्ट राउंड कम्प्लीट करते हैं इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपने टक इन करना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर हम ड्रेप कर रहे हैं कॉटन की साड़ी. तो इसे फिनिशिंग के साथ जो फर्स्ट फिनिशिंग है कॉटन की साड़ी में आपने एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि फर्स्ट फिनिशिंग इज़ द लास्ट फिनिशिंग. अगर फर्स्ट फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं है तो लास्ट तक साड़ी ना आपको ऊपर नीचे और हाई लो पोजीशन में और गड़बड़ ही दिखाई देगी. तो आपने फर्स्ट पोजिशन हमेशा अच्छे से नाइसली ड्रेप करना है. जो आपका फर्स्ट राउंड आप साड़ी का ड्रेप करते हो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने अच्छे से इक्वली ड्रेप करना है. इक्वल होना बहुत ज़रूरी है. हम पहुँच जाएंगे हमारे फर्स्ट वाले पार्ट पे यानी कि आंचल वाला पार्ट. वहाँ हम रफली सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे और उसे शोल्डर पे डाल लेंगे. लेफ्ट साइड वाले शोल्डर पे आपको डालना है. इससे पहले जो शोल्डर वाले पल्लू की प्लीट से वही बनानी है. ड्रेपिंग में हमेशा ये टिप बहुत अच्छा काम करते से तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैसी रखना चाहते हैं. बट ये एक टिप है कि अगर आप जितनी छोटी रखेंगे यहाँ पर जैसे मैं देख जैसा कि आप देख रहे हो साड़ी की जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं. तो मैं इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही इसकी प्लीट्स बना रही हूँ. तो जितनी छोटी प्लीट्स आप बनाएंगे उतना ही स्लीम और टॉल आपका लुक आएगा. तो इस तरह से आपने छोटी छोटी प्लीट्स अपने एक एक इंच के बिहाफ में आप बना लीजिए. तो इस तरह से आपने प्लीट्स बनानी ही. प्लीट्स को ऊपर से आप पकड़ लीजिए और अच्छे से उन्हें वापस से अरेंज कर लीजिए. जो आपने बनाया है वो कॉटन की साड़ी में क्या होता है कई बार ऊपर नीचे हो जाती है. तो उन्हें फर्स्ट वाले कॉर्नर से अच्छे से अरेंज कर लीजिए और वहाँ पर एक सेफ्टी पिन से उसे सिक्योर कर दीजिए. वहाँ पर करने के बाद आपने क्या करना है हाथ से उसे सारी प्लीट्स को प्रेस करना है. बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ बिल्कुल आपने वैसे ही करते जाना है. फिर थोड़ी दूर पर यानी कि एक से डेढ़ मीटर के बिहाफ पे आपने अगेन एक सेफ्टी पिन से उसे सिक्योर करना है. यानी कि यहाँ पर हम तीन से चार सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे और उसे हाथ से आपने आयरन करते जाना है. इससे क्या होगा ना आपकी
प्लीट्स बिल्कुल इक्वल रहेगी। आपको दिखा भी रही हूँ वीडियो में कि ये कितना ज़्यादा मेसी सा लगता है। तो इस तरह से आपने पिन लगाना है और फिर उसे हाथ से प्रेस करना है, पिन लगाना है और फिर उसे हाथ से प्रेस करना है, तो साड़ी की ड्रेपिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। और ये स्टेप ना बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत कम टाइम लेता है। यानी कि अगर आप आयरन करने बैठोगे, पहले से प्लीट जमाओगे, तो कॉटन की साड़ी में कई बार वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, मैसी हो जाता है। तो इस तरह से आप हाथ से उसे करते जाइए और बहुत अच्छे से अपना पल्लू सेट कर लीजिए। पल्लू की लेंथ आप जितनी रखना चाहते हैं नीचे, उतनी आप रख सकते हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो गाइज, अब बारी आती है फ्रंट की प्लीट्स बनाने की। तो हमें क्या करना है, जो हमारे वेस्ट के यहाँ से हम जो बॉर्डर को शोइन करते हैं, उसे आपने इस तरह से खींचते हुए लेकर आना और यहाँ पर एक सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर और कर लीजिए। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ करनी है, बिकॉज़ हम यहाँ पर वियर कर रहे हैं कॉटन की साड़ी है, कि बहुत कड़क वाला जो इसका मटेरियल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से आपने इसे साइड से, जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही हल्के से इसे फोल्ड करना है। तो उससे क्या होगा ना, 2 से 3 जो है राउंड आपके सल वाले दिखाई देंगे, जो कि बहुत अच्छा ड्रेपिंग लुक आता है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिखाता है, बहुत ज़्यादा जो आपका लुक है वो एनहेंस होता है। तो इस तरह से आपने सल जो है पुट ऑन करने हैं, उसके बाद हमें खींचते हुए ले जाकर उसे यहाँ पर टक इन कर लेना है राइट साइड में, यानी कि वो राइट साइड में जो बचा हुआ पार्ट है वो टकिन हो जाएगा। और की प्लीट्स बिल्कुल आप अपने हाथ के मेजर से बना लीजिए, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपने छोटा बड़ा कुछ नहीं करना है, मीडियम साइज़ की हमें प्लीट्स बनानी है। और फिर जैसा कि मैं कहती हूँ, सारी प्लीट्स बन जाए तो ऊपर से आप इसे पकड़ लीजिए, अच्छे से अरेंज कर लीजिए, और लास्ट वाली प्लेट को थोड़ा सा हमें नीचे रखना है। फ्रंट में सबसे पहली प्लीट्स आपको दिखेगी, तो वो ऊपर ना खींचे, इसलिए उसे हमें थोड़ा सा नीचे रखना है। और वहाँ पर आप एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दीजिए और उससे आप अंदर टक इन कर लीजिए। फिर देखिए, आपकी सारी प्लीट्स इक्वल और बहुत ही अच्छे से दिखेगी। इसके बाद आप उसे वापस से फ्रंट से अरेंज कर लीजिए, उसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, और ऑल ओवर लास्ट में हम साड़ी की फिनिशिंग को जो है फाइनल लुक देंगे और एक साड़ी पिन से सिक्योर कर देंगे। अगर आप अंदर की साइड से पिन पुट ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से साड़ी पिन से भी इसे एक फाइनल लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने ऑल ओवर इसे हाथ से फिनिशिंग करते हुए एक साड़ी पिन से इसे सिक्योर करना है। दैट्स इट। और फ्रंट की प्लीट्स बनाने के लिए एक और अच्छी टिप्स यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, कि जैसे जैसे आप प्लीट्स बनाते जाएं, उसे स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ साड़ी, और ऑर्गेन्जा साड़ी हो, कॉटन की साड़ी हो, तो आपने क्या करना है, अपने पैरों से उसे दबाते जाएं और फिर उस प्लीट्स को बनाते जाएं, जिससे वो ऊपर नीचे भी नहीं होगी और आसानी से बन जाएगी। तो इस तरह से आप प्लीट्स बना सकते हैं। दिस इज़ द परफेक्ट वे टू वियर अ कॉटन साड़ी और ऑर्गेन्जा साड़ी। सो हियर इज़ माई फाइनल लुक। रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, वीडियो पसंद आया। Slow.